गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने की थी एक्सरसाइज 4.4, आज हम करेंगे 4.5। 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी इसमें डेफिनेशंस और थ्योरम्स हैं, वो देखते हैं। 4.5 में क्या आएगा हमारे पास? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं? टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ए इनवर्स। ये इनवर्स का सिंबल है जो ये ऊपर लगा हुआ है आपका ए के ऊपर, ये इनवर्स का सिंबल है। वी शैल फर्स्ट डिफाइन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स से पहले एडजॉइंट फाइंड करना पड़ता है, तो पहले एडजॉइंट देखते हैं क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। और एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डी जे स्मॉल एंड देन कैपिटल ए मीन्स मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है? एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स। एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज निकालना, यानी आपको सारे को फैक्टर्स निकालने, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। ये को फैक्टर्स आ गए a11, 1, 2, 1, 3, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 1, 1, 1, 2, 1, 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3। इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आगे यूज़ होगा कई क्वेश्चंस में। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। ये भी ध्यान रखना यहाँ पर भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स है। एन क्रॉस एन का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। एन क्रॉस एन मीन्स वी हैव टू टेक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। यानी ए मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको उसके एडजॉइंट से प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा? जो आपकी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है वो मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा? उसी ऑर्डर का। जैसे अगर सपोज ए 2x2 का है तो आइडेंटिटी भी 2x2 का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। और अगर ए 3x3 का है तो आइडेंटिटी भी 3x3 की होगी। नेक्स्ट आना हमारे पास डेफिनेशन नंबर 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। आजकल 20 मार्क्स के पिछले साल जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या है, हमारे पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क के लिए। शो दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर या चेक इट इज सिंगुलर और नॉट। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट 0 देन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट 0 का मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, जैसे ये आ गया 8-8, 0, तो ये नॉट 0 आ जाए तो नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट थ्योरम है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। का मतलब क्या है, ए और बी का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो ए बी और बी ए का भी नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी ए और बी की प्रोडक्ट करके फिर उसको कैलकुलेट करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें, इवेल्यूएट करें, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी निकाल कर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई अभी आया था हमारे पास, जो फर्स्ट थ्योरम थी इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिटी का मतलब 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, तो बाहर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ट्रिपल ए बन जाएंगे। इसी तरह ये बन जाएगा आपका, ये एक क्वेश्चन में भी यूज़ होगा आपका। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड रो और थर्ड रो तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये ए क्यूब बन जाता है। तो ए क्यूब बन जाता है, यहाँ पर जो एक डिटर्मिनेंट है वो इस क्यूब से कैंसिल हो गए, यहाँ स्क्वायर बन जाता है। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर एन माइनस वन। का मतलब क्या है, यहाँ जो हम मैट्रिक्स ले रहे थे वो 3x3 का ले रहे थे, और अगर हम एडजॉइंट के ऊपर इस तरह से डिटर्मिनेंट निकाल दें उसका, तो वो हो जाता है डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन, यानी ऑर्डर एक कम हो जाता है। ये भी 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली फेज नॉन सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स
इन्वर्टिबल का मतलब उसका इन्वर्स आप तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक वो नॉन सिंगुलर ना हो, यानी डिटर्मिनेंट उसका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज 4.5। ये जितने भी डेफिनेशन थ्योरम किए हैं, अगर क्लियर नहीं हुई हो तो ये एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएंगी। कोई ऐसी हैरानी वो परेशानी की बात नहीं है कि भाई हमें ये क्लियर नहीं हुई कैसे हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारी रिलेटेड प्रॉपर्टीज डेफिनेशन आ जाएंगी आपकी और ये क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। तो एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। ध्यान से देखना फर्स्ट और सेकंड, ये जो एडजॉइंट है यही इनवर्स बनाएगा। पूरी एक्सरसाइज इन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है कि हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है आपको 2x2, आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या था हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। आपको कोफैक्टर्स निकालने और उसका ट्रांसपोज लेना है, बस सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, a11 जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर आप निकाल रहे हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट करेंगे और आपका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल a11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ देंगे तो क्या बच गया आपका, 4। नेक्स्ट आ रहा है a12, सिंबल भी लेने हैं। यहाँ सिंबल क्या आएगा, -1^(1+1) पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा, -1^(1+2) यानी नेगेटिव। यहाँ आएगा 2+1 (3) यानी नेगेटिव। यहाँ आएगा 2+2 यानी 4 पॉजिटिव। अब a12 एलिमेंट का मतलब ये 2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप छोड़ देंगे तो क्या बच गया हमारे पास, 3। नेक्स्ट a21, ये एलिमेंट है a21, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दें हम, क्या बच गया हमारे पास, 2। नेक्स्ट है a22, ये वाला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रो और कॉलम छोड़ना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1। तो ये आ गया हमारे कोफैक्टर्स। जो भी कोफैक्टर निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आपको छोड़ देना है और इवेल्यूएट करना है। बस ये सिंबल का ध्यान रखना, अगर ये सफिक्स का सम इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और अगर ये ओड है तो ये आगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो a11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 इन चारों की वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ निकाली थी और इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब जो फर्स्ट रो थी वो बन गया फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो थी वो बन गया सेकंड कॉलम। ये तो था 2x2 का, अब हम करेंगे 3x3 का। जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, ये आपका 3x3 का है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका 1, 2, -2, -1, 3, 0, 2, 5, 1। ध्यान से देखना कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सारा जो आपका मेन क्वेश्चंस हैं वो 3x3 पे ही आएंगे, एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर्स। a11, 1, 2, 1, 3, a21, 2, 2, 2, 3, a31, 3, 2, 3, 3। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको साइन लगाने हैं इनके पास। तो a11 कैसा बनेगा, 1+1, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है a12, ये क्या बनेगा आपका, 3 (3) यानी नेगेटिव, 1, 3 पॉजिटिव। इसी तरह ये आगे मैंने सिंबल लगाए हैं। अब सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना। a11 का मतलब ये वाला एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिया मैंने। अब इसको इवेल्यूएट करना है, ये क्या बनेगा, 3 - 0 यानी 3। सेकेंड a12 आपका ये वाला एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो मैंने छोड़ दिया तो क्या आएगा, 2 - -+10 हो जाएगा, 2+10 = 12। इसी तरह a13 में ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, 0+6 (6) बन गया। इसी तरह a21 में आप इसको छोड़ देंगे फर्स्ट और ये रह जाएगा -1 - 0। a22 में आपके ये एलिमेंट हट जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह a31, 3, 2, 3, 3 ये सारे एलिमेंट निकाले गए हैं। सपोज़ a31 निकालना है तो 31 क्या है, ये एलिमेंट, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे
और बाकी सिंपल इवेल्यूएशन करनी है आपको, क्या बन जाएगा माइनस फाइव माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस इलेवन। तो ये हमने वैल्यू पुट की, ए वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, जो जो यहाँ वैल्यू निकाली हमने। अब इसका ट्रांसपोज करना है, थ्री माइनस ट्वेल्व सिक्स, ये यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। तो ये था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज सफिशिएंट है एक बार एडजॉइंट की प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप इनके आगे कोई क्वेश्चन में एडजॉइंट है तो ज़रूर खुद फाइंड करके देखना कि भाई आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। नेक्स्ट करते हैं फिर आगे, थैंक यू।